श्याम सुंदर को मैया यशोदा ने पकड़ लिया, रस्सी लेकर के आई, उखल से बांधने लगी। बहुत बड़ी रस्सी थी परीक्षित जी, रस्सी दो अंगुल छोटी पड़ गई। भाग करके गई, दूसरी रस्सी ले आई, फिर दो अंगुल छोटी पड़ गई, तीसरी रस्सी, चौथी रस्सी, पांचवी रस्सी। पता ही नहीं है कि वो रस्सी घटती जाती थी और या अंग मुटाते जाते थे। यही मालूम नहीं पड़ा वो रस्सी घट रही है या अंग मोटे हो रहे हैं। पता ही नहीं है वो रस्सी घट रही है या अंग मोटे हो रहे हैं। राजू यादव जी गुंदेला से हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं, भगवान हमेशा कृपा की दृष्टि बरसाए रखे। परीक्षित महाराज एक नहीं कई रस्सी मैया लेकर के आई, रस्सी दो अंगुल छोटी पड़ गई। दो अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ गई? और हमारे अशोक यादव जी गुंदेला से आए हैं, जो हार डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, भगवान से कामना करेंगे भगवान हमेशा कृपा की दृष्टि बरसाए रखे। महाराज दो अंगुल रस्सी छोटी इसलिए पड़ रही थी, मैया को ज्ञान और वैराग्य की कमी थी। मैया को यह ज्ञान नहीं था कि भगवान वैरागी है। श्रोताओं, श्याम सुंदर मुस्कराए मैया और कन्हैया में, जब प्रेम जागृत हुआ तो भगवान कन्हैया छोटी सी रस्सी में बंधने में आ गए, उखल से बांध दिया। मैया यशोदा कामकाज में लग गई, श्याम सुंदर उखल को लेकर के चले। यशोदा के आंगन में दो वृक्ष खड़े हुए थे जिनका नाम था यमला अर्जुन। ये दोनों पूर्व जन्म में कुबेर के लड़का थे। ये वृक्ष योनि में कैसे आए? परीक्षित जी ने हाथ जोड़े ये कथा हमें विस्तार से श्रवण कराओ। महाराज ये दोनों जो थे पूर्व जन्म में, लाला दोनों ही कुबेर के लड़का थे और धनवान मगर अभिमानी थे। Thank you.
दोनों कुबेर के पुत्र थे जिनका नाम था नलकुबर और मणग्रीब। परीक्षित जी धनवान थे लेकिन इन दोनों को अभिमान बहुत था। दोनों कैलाशी निवासी थे। शंकर जी के वरदानी थे। कैलाश पर्वत पर रहा करते थे। शंकर जी के वरदानी थे। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि ये दोनों वृक्ष कैसे बन गए। एक बार इन दोनों ने अपनी पत्नियों को बुलवाया और पत्नियों को लेकर के परीक्षित जी नगिन भेष में दोनों ने पत्नियों को स्नान कराया। उन देव ऋषि नारद ने तब इन दोनों को अज श्राप दिया। नारद बाबा ने देखा ये दोनों राक्षस दारू के नशा में अपनी पत्नियों को नगन भेष में यमुना जी में स्नान करा रहे थे। नारद ने आकर के दोनों को श्राप दे दिया, जा मूर्खो, यमुना जी में तुम नगन भेष में स्नान कर रहे हो, जल में नगन भेष में स्नान करने से वरुण देव का अपमान होता है। परीक्षित जी उसी समय देव ऋषि नारद ने श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों वृक्ष बनोगी वृक्ष। जैसे ही श्राप दिया तो दोनों का नशा हिरन हो गया। चरणों में गिर पड़े, महात्मन हमें माफ कर दीजिएगा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने मदरा का पान कर लिया, हमसे गलती हो गई, आपने हमें श्राप दे दिया। देव ऋषि नारद ने कहा, जाओ तुम दोनों वृक्ष बनोगे, लेकिन वृक्ष बनोगे यशोदा के आंगन में, और जब वृक्ष बनोगे यशोदा के आंगन में भगवान कन्हैया द्वापर युग में अवतार लेकर के आएंगे, उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। श्याम सुंदर ने आज दोनों राक्षसों का उद्धार किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।